13 साल के बालक ने दी मुंबई के डबे वालों को एक नई उड़ान। मुंबई के 13 वर्ष के तिलक मेहता 9वीं क्लास के छात्र हैं और स्कूल की पढ़ाई के साथ अपनी एक कुरियर कंपनी पेपर्स एंड पार्सल्स भी चलाते हैं, जिसकी देखरेख वे स्कूल की छुट्टी के बाद करते हैं। प्रतिदिन वे अपने कर्मचारियों से अपडेट्स लेते हैं और उनके साथ मिलकर नई योजनाएं बनाते। जुलाई 2018 में तिलक मेहता ने डबेवाला की सर्विस से ही प्रोत्साहित होकर उनके नेटवर्क के साथ मिलकर मुंबई के लोगों को सेम डे कुरियर सर्विस देने की योजना बनाई। तिलक की इस योजना में इनके चाचा ने, जो कि एक बैंक के मैनेजर थे, अपनी नौकरी छोड़कर जल्द ही तिलक के साथ मिलकर इस कंपनी का कार्यभार संभाला। अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए तिलक ने डब्बे वालों के काम को, उनके रूटर्स को भली भांति समझा। उनके उचित प्रशिक्षण, ग्रुप डेवलपमेंट आदि की प्लानिंग खुद तिलक ने ही की। तिलक की इस कंपनी का लाभ कई शिपिंग एजेंसीज, पैथ लैब्स, बुटीक्स, स्वीट्स शॉप्स आदि को मिल रहा है। तिलक की कंपनी रोजाना करीब 1200 डिलीवरीज करती है और वर्ष 2020 तक इनका टारगेट 100,000 डिलीवरीज करना है और साथ ही अपने टर्नओवर को 100 करोड़ तक ले जाने की है। तिलक की इस योजना से जहां एक और डबे वाला एसोसिएशन को एक अतिरिक्त कमाई का जरिया मिला, वहीं दूसरी ओर लोगों को कूरियर की एक अत्यंत सुंदर, किफायती और सबसे तेज सर्विस भी मिली। तिलक की इस उपलब्धि के लिए इन्हें यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन लॉजिस्टिक्स सेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। इनका टारगेट 100,000 डिलीवरीज करना है और साथ ही अपने टर्नओवर को 100 करोड़ तक ले जाने की है। तिलक की इस योजना से जहां एक और डबे वाला एसोसिएशन को एक अतिरिक्त कमाई का जरिया मिला, वहीं दूसरी ओर लोगों को कूरियर की एक अत्यंत सुंदर, किफायती और सबसे तेज सर्विस भी मिली। तिलक की इस उपलब्धि के लिए इन्हें यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन लॉजिस्टिक्स सेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है।